हे गाइस व्हाट इज अप यार, दिस इज उर्किश फ्रॉम त्रिपुरा इंडिया। गाइस मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेके यार आ गया हूँ यूट्यूब की तरफ से कुछ अमेजिंग अमेजिंग न्यूज। तो यार गाइस आप लोग करने के बस है वीडियो को एंड तक देखना है। एंड यार गाइस अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो दोनों ही कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल यार फ्री। आप लोग को पता ही है जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलता है उसको दबाने से आपका कोई भी पैसा वैसा नहीं लगता है, तो यार दबा दो गाइस, दबा दो यार, दबा दो। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। केजर बेसिकली आज का जो फर्स्ट न्यूज होता है वो तो सरब जसी ब्लॉग्स की तरफ से। सरब भाई का जो आप लोग पता है कुछ दिन पहले भाई भाई सॉन्ग रिलीज हुआ था उसमें यार हो चुका है 10 मिलियन प्लस व्यूज। तो इसके बारे में सरब भाई ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर किया, देख सकते हो क्या कहा। ये वाले गाने पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो कीप लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच। तेन जो स्टोरी है तो इसलिए राउंड टू हेल की तरफ से राउंड टू हेल का फिर से यार स्क्रिप्ट शुरू हो चुका है, मतलब यार स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हो चुका है, तो शायद वीडियो का काम भी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। तेन जो स्टोरी है तो इसलिए एक यूट्यूबर जिसका नाम है कुफू द राइडर ब्लॉग्स, इसका एक्सीडेंट हो गया बेसिकली दुबई पे। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ मैं आप लोग को उसका एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। तो हुआ कैसे हुआ आप लोगों को बता देता हूँ मैं। कल मैं अराउंड 3 o'clock को मैं निकला घर से, ठीक है, डाउन टाउन में था कल मैं अपने फ्रेंड के पास, तो वहाँ से निकला मैं 3 o'clock। उसके बाद मैं एक जो MI की एक छोटी वन यूनिसाइकिल निकली है ना, MI की छोटी जो एक पैरों पे चलाते हैं, वो साइकिल लिया मैंने, मतलब फ्रेंड के पास ही था, तो ऐसा लेके बाहर गया मैं, बाहर चला रहा था। रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे पता है क्योंकि जब 2 दिन स्टार्टिंग के 2 डेज ना मुझे पता चल गया था कि जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग तभी कर सकते हैं जब वहाँ पर जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही क्रॉस कर सकते हैं, रूल्स मुझे पता था। और मैंने शायद से फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं सेकंड वीडियो में मैंने कहा था यार यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने उस रूल्स फॉलो किया, मैं रोड क्रॉस कर रहा था ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, और सामने जो लाइट है जैसे क्रॉस कर रहा था, ठीक है, अचानक में जो लाइट होती है ना वो ब्लिंक होने लग गई, ग्रीन वाली लाइट ब्लिंक होने लग गई, ठीक है, और मैं एक्सीलेटर दिया थोड़ा सा आगे गया, वैसे गाड़ी आई और मुझे हिट कर दी, ठीक है। उसके बाद हिट करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं पता मुझे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मैं जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा कि मैं एम्बुलेंस में था। तो ये सभी आप लोग यार प्रे कर सकते हो कि भाई जल्दी गफू भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तेन जो स्टोरी आता है तो इसलिए फुकरेंसन की तरफ से, आप लोग पता है फुकरेंसन का जो सॉन्ग आया था कुछ दिन पहले रंजा, जिसमें यार अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा था फुकरेंसन को, तो इसके बारे में फुकरेंसन ने अपने इंस्टा पर स्टोरी शेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरी वन जिसने गाने को शेयर करा, इतना सारा प्यार, इतनी पॉजिटिविटी, ओ हो मजा आ गया, दिल छू गया। एंड गाइस आप लोग पता है थरावा जोगिंदर फुकरेंसन का जो सॉन्ग था उसको शेयर किए थे, तो इसके ऊपर भी फुकरेंसन ने काइंड ऑफ रिएक्ट किया। बट अभी मैं निकलने से पहले, घर से पहले निकलने से पहले मैं देख रहा था अपने फेवरेट न्यूज चैनल्स नियॉन मैन और न्यूज बॉय, और मुझे पता चला तारा भाई जोगिंदर ने हमारा गाना शेयर करता 2 दिन पहले। मैं डैम मैन, तारा भाई जोगिंदर जिसपे हमने डिस ट्रैक बनाया था और 5 मिलियन व्यूज आए थे भाई। बट भाई मुझे जैसे ही पता चला मैंने उसको मैसेज करा, मैंने थारा भाई, भाई तू मेरा भाई, थैंक यू सो मच, और मतलब जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है वो मैंने व्लॉग में बताया, मम्मी के चैनल पे आएगा कल परसों में। बट भाई ऐसे मैसेज करते हैं फोकरा भाई ने इग्नोर कर दिया, नहीं भाई मैंने इग्नोर नहीं करा, मैंने देखा नहीं था, मैंने देखा होता तो मैं पक्का रिप्लाई करता। एंड टू ऑल द पीपल वो जो जज करते ना यूट्यूबर्स कैन डू म्यूजिक, अरे जाओ यार गाना सुनो तुम। नेक्स्ट स्टोरी आता है तो इसलिए मिस्टर बीस्ट की तरफ से, आप लोग पता है कुछ दिन पहले मिस्टर बीस्ट का स्क्विड गेम के ऊपर एक वीडियो आया था, तो उसमें आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मिस्टर बीस्ट का टोटल उस वीडियो को क्रिएट करने में कितना पैसा लगा होगा। आप लोग मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स पे सिंपल से बता सकते हो, मतलब कोई भी यार आइडिया अगर आप लोगों में आया हो तो मैं यार अभी आप लोगों को एक्चुअली यार बता देता हूँ कितना पैसा लगा था। I saw part of it, yeah. Yeah, that was wild. That was the most expensive thing we've ever done. How much did it cost? A little over $4 million. So guys, ye bahut hi bada event hai, bahut hi bada, bahut hi bada. So, sahi hai waise. Aur utna zyada earn bhi hota hai Mr. Beast ka. So, yeah. Theek hai, video itna hi tha.
तो वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो बिल्कुल फ्री है, दोनों ही कर सकते हो, तो बस कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।